हाँ जी, सबसे पहले नंबर पे है एमएस ऑफिस, सेकंड नंबर पे है आपका डीबीएमएस एंड एसक्यूएल, दोनों 11 नंबर का वेटेज रखते हैं। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, पीवाईक्यू सारे डाल रखे हैं भाई, एक एक घंटे की क्लास है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप वाली क्या बात है, सारे पीवाईक्यू करवा ही रखे हैं आपके, एमसीक्यू सारे करवा रखे हैं, और सारी मैंने आपको क्लासेस भी दे रखी है, नोट्स भी दे रखे हैं, उसकी वीडियो भी दे रखी है। ठीक है, बेटर है ना कि उसको 1.5 गुना 2x की स्पीड में अपना टाइम बचाओ। एमएस ऑफिस, डीबीएमएस, एसक्यूएल, कंप्यूटर फंडामेंटल, और कौन सा था आपका, C++, एंड अभी जो आपका पाइथन ऐड हुआ है वो। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपको करना है दैट इज HTML। क्यों? क्योंकि HTML बहुत छोटा सा टॉपिक है और डायरेक्ट यहाँ से आपको जो है 2 से 3 आपके मार्क्स मिल जाएंगे। अगर हम हार्डली यहाँ से भी 8 से 10 नंबर का वेटेज बोले, 8 से 10 का बोले, 7 से 9 का बोले, 6 से 8 का बोले, पाइथन अगेन 8 से 10, HTML अगेन 3 से 5। ठीक है भाई, अगर आप मिनिमम मार्क्स भी लेते हो 8, 8, 16, 16 और 7, 23, 23 और 6, 31, 31 और 8, 39, 39 और 3, 42, ये तो बहुत मिनिमम मैंने बताया है, लेकिन यहाँ से आपको ज़्यादा मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, यही आप बोल सकते हो, यही 6 सब्जेक्ट आपके 45+ हैं। ठीक है, बाकी बचा आपका एमर्जिंग ट्रेंड, जो मैंने आपको 11, 12 की एनसीईआरटी करवाई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एमर्जिंग ट्रेंड सोशल एथिक्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा भाई, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, और कुछ रह गया भाई, और कुछ रह गया, बाकी बचे ये आपके 5 सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, लिख लिया। चलो अभी डेटा स्ट्रक्चर के पीवाईक्यू देखो और उसी के साथ मैं आपको बताती हूँ, डेटा स्ट्रक्चर के पीवाईक्यू देखो उसी के साथ बताती हूँ भाई। हाँ जी, डेटा स्ट्रक्चर में जो आपका मैंने बोला आपको एरे, एरे के जो क्वेश्चन आते हैं 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, उसके साथ ही जो आपकी ट्रैक की एप्लीकेशन है और क्यू की एप्लीकेशन है। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया है कि डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिकर्जन, मतलब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर रिकर्जन में यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन रिकर्जन की जगह यहाँ पे बैक ट्रैकिंग भी हो सकता है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बैक ट्रैकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी एप्लीकेशन है जैसे स्टैक की हो गई, क्यू की हो गई, वो पूछी जा सकती है। तो रिकर्जन में स्टैक का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर स्टैक हो जाएगा। ट्री के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, सॉर्टिंग आपको जरूर करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है x प्लस में y, y इज इक्वल टू x माइनस y, x इज इक्वल टू x माइनस y, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या हो रहा है, वैल्यू रिटेन हो रही है यानी कि वैल्यू चेंज हो रही है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है x और y का। ठीक है, स्वैपिंग हो रही है, नेगेट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कि भाई सपोज करो x जो है वो आपका क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 2। आप इस तरीके के क्वेश्चन में आप अज्यूम करके निकाल सकते हो, आपको कोई फॉर्मूला की वो जरूरत नहीं है। x की वैल्यू 2 ले ली, y की वैल्यू 4 ले ली। अब पहले में क्या हो रहा है, x जमा में y हो रहा है, यानी कि 2 जमा में 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, y जो है वो आपका तो
नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट में जो है आपका एक्स माइनस वाई हो रहा है, अगेन एक्स की वैल्यू अब अपडेट होके 6 हो गई थी, तो 6 माइनस 4 कर देंगे 2 हो गया। तो यानी कि जो पहले एक्स की वैल्यू थी वो अब वाई की वैल्यू हो गई, और जो पहले वाई की वैल्यू थी वो एक्स हो गई, यानी कि स्वैपिंग हो गई दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सॉर्टिंग इम्पॉर्टेंट है, सॉर्टिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं हमेशा ही, तो कॉम्प्लेक्सिटी से चांसेस हैं कि मे बी अब की बात भी आपसे पूछ ले कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम डज नॉट हैव द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें आपको चार दे रखे हैं, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट और आपका है बबल शॉर्ट। तो भाई बोल रहा है कि कौन से की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर हम इसका बेस्ट केस देखें, एवरेज केस देखें और वर्स्ट केस देखें, तो इसका बेस्ट भी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है और ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है। ठीक है भाई, ठीक है। और अगर एवरेज केस और वर्स्ट केस, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि तीनों में सेम, यानी कि बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस में तीनों में सेम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होती है, हमेशा याद रखना मस्ट। इंसर्शन शॉर्ट में ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, वर्स्ट केस में भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो भाई इंसर्शन की भी हो गई, क्विक शॉट में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बबल शॉट में भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। यानी कि आपका जो है इंसर्शन में क्योंकि मैं बबल में होता है, लेकिन मस्ट शॉट में आपका एन लॉग एन होता है, ना कि एन स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी याद है तो आप इसको बहुत ही जल्दी तरीके से कर दोगे। ये आपको नहीं करना है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बाइनरी ट्री के क्वेश्चन है, आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो इस तरीके से आएंगे। अब थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। प्राची मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, आपकी अलग से लेके, ठीक है, अलग से लेके मैं बता दूंगी। हाँ जी, अब एरे पे आ जाओ, और एरे का देखो भाई वन डायमेंशन टू डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं, बाकी ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एरे आपका सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि डेटा स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, और इसमें क्या होता है, एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, एलिमेंट को जो है क्या करता है, कलेक्ट करता है, सेम डेटा टाइप एक्सेस यूजिंग कॉमन टाइप। ठीक है, और एरे एलिमेंट ऑक्यूपाई कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन, एरे जो है इंडिसेस स्टार्ट टू 0 0 से स्टार्ट करते हैं एरे में। ठीक है, इंडेक्स होते हैं, और इंडेक्स जो है वो आपका 0 से स्टार्ट करने की वजह से एन माइनस 1 तक जाता है। ठीक है, इंट 800 इट जो है डिक्लेरेशन में क्या आ जाएगा, इट क्रिएट एन एरे ए विद 100 इंटीजर एलिमेंट्स। ठीक है, ये एरे को क्रिएट करता है, मतलब ए नाम का एरे क्रिएट करता है जिसमें आपके 100 इंटीजर एलिमेंट होते हैं। द साइज ऑफ एन एरे एरे ए कैन नॉट बी चेंज, मतलब ए का जो एरे का साइज है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। द नंबर बिटवीन द ब्रैकेट्स मस्ट बी कॉन्स्टेंट, मतलब जो नंबर है ब्रैकेट में वो आपके क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। यानी कि अगर आपने डेटा टाइप इंटीजर टाइप का लिया है तो वो इंटीजर के ही रहेंगे, कैर लिया है तो कैर ही रहेंगे। तो यानी कि एरे के अंदर जो डेटा होता है वो होमोजीनियस तरीके का होता है, क्या होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस नहीं होता, क्या होता है, होमोजीनियस। ठीक है भाई, रिप्रेजेंटेशन आपके इस तरीके से होती है, ये आपको पता ही है। अब प्रॉब्लम क्या आती है एरे के अंदर, आपको बस ये जानना है कि भाई एरे में क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमने जो है लिंक्ड लिस्ट और इन सारी चीजों को यूज करना शुरू किया। देयर इज नो चेकिंग एट रन टाइम कंपाइल टाइम टू सी वेदर रेफरेंस टू विद इन एरे बाउंड्स, मतलब कोई चेकिंग नहीं है। साइज ऑफ एरे मस्ट बी नोन एट कंपाइल टाइम, मतलब एरे का साइज जो है वो कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए। इंक्रीजिंग साइज, आप लास्ट टाइम पे साइज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, तो मेमोरी वेस्टेज यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और एरे में डेटा को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है, एरे में डेटा को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, देखो तीन तरीके से डेटा आपका एक्सेस होता है। एक होता है आपका सीक्वेंस वे में, एक होता है आपका रेंडम एक्सेस, ठीक है, एक होता है आपका डायरेक्ट। सीक्वेंशियली किस में होगा, सीक्वेंशियली हम किस में करते हैं, डिस्क में। रेंडम हम किस में करेंगे, रैम में और एरे में। ठीक है, और डायरेक्ट हम किस में करवाएंगे, सॉरी
सिक्वेंश डायरेक्ट हम डिस्क में करेंगे और यहाँ हो जाएगा, सिक्वेंशियल में आ जाएगा आपका टेप, ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक टेप वगैरह होती है वहां पे सिक्वेंशियली डेटा एक्सेस किया जाता है, ठीक है भाई, ठीक है। समझ में आया भाई, इतना इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ओके। आगे देखो, हाँ जी, अगर मैं मुझे रो मेजर और कॉलम मेजर निकालना हो तो आप किस तरीके से निकालोगे भाई, बेस एड्रेस होता है। अब यहाँ पे देखो, इस तरीके से आपको एरे दे दिया और यहाँ पे लोअर बाउंड दे दिया और अपर बाउंड दे दिया, तो अगर आपको इसमें टोटल एरे बताने हैं तो आप किस तरीके से बताओगे। तो ये जो अपर बाउंड है, ये आपका फॉर्मूला भी पूछा गया था एस्टेट के एग्जाम में कि भाई क्या होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस में वन, तो इससे जो है आपको टोटल एलिमेंट पता चल जाएंगे। तो टोटल एलिमेंट पता करने के लिए एरे के अंदर अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस में वन, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा आई माइनस लोअर बाउंड इंटू सी, ठीक है भाई, ठीक है। सी आपका साइज होता है, तो अगर आपको वन डायमेंशन बताना है, वन डायमेंशन का क्वेश्चन आ जाए, तो बेस एड्रेस लिखोगे, फिर क्या करोगे आई माइनस लोअर बाउंड इंटू में जो है साइज, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। टू डायमेंशन में भाई, वन डायमेंशन में तो इस तरीके से आपकी एक ही वो रहेगा, टू डायमेंशन में क्या आ जाएगा आपके रो भी आ जाएंगे, सॉरी आपके कॉलम भी आ जाएंगे, आपकी रो भी आ जाएगी, ठीक है, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो ये टू बाय टू के मैट्रिक्स है, तो इस तरीके से रो और कॉलम दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए जो है हम यहाँ पे दो तरीके से निकालते हैं, एक होता है रो मेजर और एक होता है आपका कॉलम मेजर, ठीक है, एक आपका रो मेजर हो जाएगा, एक आपका कॉलम मेजर, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट भाई, यहाँ तक किसी को डाउट, एक क्वेश्चन देके पूछूं, एक क्वेश्चन देके पूछ लूं भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दो, एक क्वेश्चन देके पूछ लूं। रो मेजर और कॉलम मेजर, बताओ भाई, हाँ जी, ये जो मैं आपको क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ ये आपका एस्टेट 2016 में ही आया हुआ है, एस्टेट 2016 में आया था ये पेपर क्वेश्चन, क्वेश्चन था अ 2D एरे ए 4 7 -1 3, ठीक है, require 2 byte of storage space, require 2 byte of storage space for each element, for each element, ठीक है, if the array is stored in row major, if the array is stored in row major from having base address 100, then the address of A 2 will be, ठीक है, बताओ भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन दो क्या हो जाएगा, ऑप्शन दो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है 150, बी ऑप्शन है 200, सी ऑप्शन है 112 और डी ऑप्शन है 126।
देखो पहले तो ये देखो ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, तो ये इतना जो है ये आपका क्या है, रो है, और ये क्या है आपका कॉलम। ठीक है भाई, ठीक है, ये रो है और ये क्या है कॉलम। अब किस तरीके से करेंगे टोटल एलिमेंट निकालने के लिए कि रो में टोटल कितने एलिमेंट है, तो 7 माइनस 4 जमा में 1, तो 7 में से 4 गया 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितने हो गए, 4 रो हो गई। कॉलम की बात करेंगे 3 माइनस माइनस 1 प्लस में 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 कॉलम हो गए हैं, 4 रो हो गई है। ठीक है, अब आपको जो है इसमें ये बताना है कि 6th रो और 2nd कॉलम में मतलब इस पोजीशन पे आपको क्या मिले। ठीक है, तो रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, बेस एड्रेस जमा में आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो, रो का लोअर बाउंड भाई आई की बात कर रहे हैं तो लोअर बाउंड किसका होगा, ये आपका आई है और ये आपका जे है। ठीक है, तो आई के साथ लोअर बाउंड होगा माइनस किसका, रो का, और जे के साथ होगा कॉलम का। ठीक है, जब हम रो मेजर की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, कॉलम के साथ, मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, कॉलम के साथ, और जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। ठीक है, इनटू में साइज, साइज आपका कितना दे रखा है, 2 वाइट का दे रखा है, साइज ही लिख देती हूँ, नेक्स्ट में। ठीक है, तो जो है रो मेजर ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस आपका क्या दे रखा है, 100, आई क्या है 6, 6 माइनस 4, कॉलम टोटल कॉलम कितने हैं 5, जमा में जे, जे कितना है आपका 2, लोअर बाउंड कॉलम का कितना है -1, इनटू में साइज क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 100 जमा में 6 में से 4 गया 2 और 2 पंजे 10 जमा में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये जो 2 है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बिल्कुल बाहर है। ठीक है, अंदर जो भी ऐड होके आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 दूनी 26, तो 100 जमा में 26 बराबर में 100, तो ये हो जाएगा आपका रो मेजर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रो मेजर। अगर सेम मुझे, मैं ये बोलूँ इसी क्वेश्चन का आपको कॉलम मेजर निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस जमा में ये हो जाएगा। अब इसके साथ किसी की हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लोअर बाउंड ऑफ रो जमा में आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। अब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, रो की हो जाएगी, कि टोटल रो कितनी, और इनटू में साइज हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल के बताओ भाई, अगर मुझे कॉलम मेजर निकालना हो तो इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी, क्या हो जाएगा भाई कॉलम मेजर बताओ, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आती क्या, थोड़ी सी तो शर्म कर लो, हैं काम कुछ करते नहीं हो। फॉर्मूला बताने के बाद भी एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट पुट करके आंसर नहीं बता सकते, ताज्जुब वाली बात है भाई तुम लोगों की। हंड्रेड जमा में आई, आई कितना है 6, 6 माइनस लोअर बाउंड रो कितना है 4, जमा में आई माइनस लोअर बाउंड यानी कि अभी किया था 2, 2 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, टोटल रो कितनी है, टोटल कॉलम कितने हैं 5, इंटू में साइज क्या हो जाएगा 2, तो 100 जमा में 2 जमा में 5 15 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 और 2 17, 17 दूनी 34, तो क्या हो जाएगा 134। ठीक है भाई, अगर कॉलम मेजर ऑर्डर निकालेंगे 134 आएगा, रो मेजर निकालेंगे तो 126 आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, और एग्जाम में कई बार आए हैं भाई, इस रो मेजर कॉलम मेजर टोटल एलिमेंट का फॉर्मूला, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं
स्टैक की, स्टैक जो है वो आपका ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, यानी कि बहुत बार क्वेश्चन आता है स्टैक में कैसी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, लीफो होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है भाई, अब जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। एलिमेंट को इंसर्ट करना और एलिमेंट को इंसर्ट जो है डिलीट करना एक ही एंड से होता है, ठीक है, सेम एंड से होगा, और उस एंड को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, टॉप कहेंगे। हाँ ठीक है भाई, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, और अभी क्योंकि हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। अब जो हम जो इंसर्ट करते हैं उसको पुश कहते हैं, जो डिलीट करेंगे उसको क्या कहेंगे, पॉप कहेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन आता है कि अगर आपका स्टैक है फुल है और आप उसमें कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, जब स्टैक ऑलरेडी फुल है तो कैसे इंसर्ट कर पाओगे, तो वो वाली कंडीशन हो जाएगी अंडरफ्लो की। जब आपका स्टैक एम्प्टी है और उसमें से आप कुछ पॉप करना चाहते हैं तो वो वाली कंडीशन हो जाएगी अंडरफ्लो की। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशन है, पुश मतलब पुश करना, जो है पॉप मतलब रिमूव कर देना, साइज मतलब जो है कितने साइज का एलिमेंट है, इज एम्प्टी, इस स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है भाई, ये चीजें आती हैं। ऑपरेशन की बात की जाए तो पॉइंटर कॉल टॉप, मतलब जो आपका ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम टॉप बोलते हैं, यानी कि टॉप ऑफ स्टैक बोलते हैं, इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द टॉप एलिमेंट इन स्टैक, कि स्टैक पे जो आपका एलिमेंट है वो। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, पुश करना, पॉप करना, पीक, ये सारे की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए तो ये आपका इस तरीके से जाएगा, बाकी प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं है कि आप यहाँ पे जो है एप्लीकेशन देखो। एप्लीकेशन सबसे पहले बैक ट्रैकिंग में यूज करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च में यूज करते हैं, फंक्शन कॉल मैकेनिज्म में, रिकर्सिव कॉल में, रिकर्सिव वाला क्वेश्चन अभी था, आपने देखा था। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको अगर ये पता है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है, डायरेक्ट आपको नाम पता चल जाएगा। पार्सिंग में यूज करते हैं, वेब ब्राउजर में जो है, अंडू मैकेनिज्म में जो है, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन में, तो इन सभी जगह जो है वो किसका यूज किया जाता है, एप्लीकेशन मतलब ये जितनी भी एप्लीकेशन है स्टैक का वहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनफिक्स प्रीफिक्स और जो है पोस्ट फिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनफिक्स निकालो, पोस्ट फिक्स निकालो या फिर प्रीफिक्स निकालो। ठीक है, तो लिस्ट को रिवर्स करना है तो भाई जो है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, हमेशा याद रखना ये जो है आपका यूनिक बनाएगा। इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में जाना है, इनफिक्स से प्रीफिक्स में आता है, या पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में जाना है। ठीक है, तो या फिर प्रीफिक्स से इनफिक्स जाओगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टावर ऑफ अनोई, टावर ऑफ अनोई भी हम कहाँ पे करते हैं भाई, स्टैक के अंदर ही करते हैं। टावर ऑफ अनोई आपके जो है क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसको नहीं करना है, ये रिकर्सिव के प्रोग्राम से आप, हाँ जी, इन इन से आ सकता है, जो आपका प्री ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है, और आपका जो है प्रीफिक्स है। बताओ प्रीफिक्स क्या होगा, पोस्ट फिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स और इनफिक्स क्या होगा भाई, ए जमा में बी, बी इनटू में सी, बताओ क्या होगा भाई इसका, आप निकालोगे प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स और इनफिक्स तो क्या हो जाएगा।
करवा दो। देखो भाई, इसकी इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। बोर्ड मास याद है कि नहीं याद है? बचपन में जो पढ़ा था वैसे ही है। पहले ब्रैकेट होगी तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर जो है ओ, फिर आपका डी, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबट्रैक्ट। ऑफ मतलब गुणा की ही बात कर रहा है ये। तो प्रीफिक्स में आपका क्या हो जाएगा? पहले ये वाला पार्ट यानी कि ए जमा में, तो पहला ये नंबर, तो बी जमा में सी क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स है मतलब पहले की बात हो रही है, तो बी सी हो जाएगा, ठीक है। और अब ये जो प्लस की बात हो रही है, तो प्लस ए, ठीक है। अब माइनस प्लस ए सी सी, ठीक है भाई, सॉरी प्लस आएगा आगे, प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। पोस्ट फिक्स पे क्या हो जाएगा? बी सी स्टार लास्ट में आ जाएगा, फिर ए बी जो है मतलब जो यहाँ पे प्लस था वो भी आपका कहाँ पे आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा। इनफिक्स की बात करें तो इनफिक्स आपका एज इट इज सेम हो, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ जी, अब कुछ एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ताकि जो है आपको अच्छे से क्लियर हो सके। हाँ जी, लिखो भाई, लिखो, क्वेश्चन है आपके पास। ए इंटू बी जमा में सी डिवाइड, आंसर करोगे? आपका ये क्वेश्चन है ए इंटू बी जमा सी डिवाइड बी, किस तरीके से करोगे? देखो भाई, जो मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है, इनकी सेम प्रेसिडेंस होती है, प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंस होगी, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा? ए बी इंटू जमा सी डी डिवाइड। पोस्ट फिक्स में क्या हो जाएगा? ऑपरेटर बाद में आ जाएगा। अब पहले मैंने इसको सॉल्व किया, फिर मैंने इसको किया, लेफ्ट टू राइट होता है तो लेफ्ट में पहले आया, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको करेंगे। अब प्लस की प्रेसिडेंस इन दोनों से कम में होती है, तो अब लास्ट में आपका ये हो जाएगा। फिर लास्ट में प्लस आपका कहाँ पे चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। तो ए बी मल्टीप्लाई सी डी डिवाइड लास्ट में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर ये मेरा प्री होता, प्री मतलब पहले आना, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई ए बी जमा में, इधर क्या हो जाता? डिवाइड सी डी। अब प्लस जो है वो कहाँ पे आ जाता? आगे आ जाता, तो जमा मल्टीप्लाई ए बी डिवाइड सी डी, ठीक है। तो अगर प्री फिक्स होता तो ये आंसर होता, पोस्ट फिक्स होगा तो ये वाला आंसर, ठीक है, सॉरी ये वाला, ठीक है, समझ में आया। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो है एचपीएससी पीजीटी की जो है हियरिंग थी, उसमें स्टे लगा हुआ है भर्तियों के ऊपर, एंड देन अगेन जो है नेक्स्ट डेट मिल गई है 13 दिसंबर। लग रहा था कि शायद कुछ हो जाए, और जो 16-17 दिसंबर को एग्ज़ाम है उनके साथ ही जो है कंप्यूटर साइंस का भी एग्ज़ाम हो जाए। अब 13 दिसंबर एग्ज़ाम डेट मिल गई है, और 2 और 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो भाई आप खुद ही देख लो, ठीक है। तो इस तरीके के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ में आया? हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्यू, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्यू, अगेन जो है वो आपका एक क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है? इंसर्ट और डिलीशन। जैसे आप रेलवे पे जाके टिकट बनाते हो, टिकट बनाओगे तो क्या, जो पहले जाएगा उसी को टिकट मिलेगी ना? कंडक्टर ये तो नहीं बोलेगा कि लास्ट वाला आओ और मैं उसकी टिकट बनाऊंगा, है
ना, पहले वाले को मना तो नहीं कर देगा ना, ऐसा तो नहीं है। अब इसमें क्या होगा, ये तो स्टैक था आपका, एक ही एंड से सब कुछ हो जाता है, तुम में दो एंड होते हैं इधर से, इस तरीके से होता है। इधर से डिलीशन होगा, डिलीट करने को बोला जाता है रियर फ्रंट, और इंसर्ट करने को कहते हैं रियर। ठीक है, इंसर्ट करने को मतलब जिस एंड से इंसर्ट होता है उसको रियर पार्ट कहेंगे, जिस एंड से डिलीट होगा उसको फ्रंट। ठीक है, सपोज पहले मैंने यहाँ पे 10 को इंसर्ट किया, फिर आपका 20 आ गया, फिर आपका 30 आ गया, फिर 40 आ गया। जब मैं इसको जो है बाहर निकालूंगी तो सबसे पहले आपका 10 ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि 10 ही बाहर। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टैक की बात करें तो भाई अगर मैं पहले बाहर निकालूँ तो पहले 30 आएगा, फिर 20 आएगा, और लास्ट में आएगा बाहर 10। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले काम करने बैठा था उसको सबसे ज्यादा काम करना ही पड़ेगा। समझ में आया भाई? ऑपरेशंस की बात की जाए तो भाई जैसे वहाँ पे पुश और पॉप ऑपरेशन थे, वैसे यहाँ पे एन क्यू और डी क्यू है। एन क्यू जो है वो इंसर्ट करवाने के लिए है, और डी क्यू जो है वो एंड करने, यानी कि रिमूव करने। अब ये आपकी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन है, ये इतना करने की जरूरत नहीं है, इसकी भी एप्लीकेशन देख लीजिए क्या रहने वाली। ये आपका क्यू की टो हो जाएंगे, सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू इस तरीके से सर्कल में रहता है, जब इस तरीके से है तो इस तरीके से ये आपका सर्कल में आ जाए। ठीक है, तो द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ सर्कल क्यू इज वन ऑफ वन विच द जो है इंसर्शन न्यू एलिमेंट इज डन एट द वेरी फास्ट लोकेशन ऑफ द क्यू। ठीक है, इफ द फास्ट लोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड इज फुल एंड द फर्स्ट लोकेशन इज एम, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर रियर प्लस वन डिवाइड बाई एन है तो इसका मतलब क्या है, इक्वल टू वन, यानी कि फ्रंट, देन क्यू इज फुल, द फ्रंट है, मतलब ये अगर फ्रंट के बराबर है तो क्यू मतलब आप क्या समझ लोगे, क्यू हमारा भरा हुआ है। अगर फ्रंट इक्वल टू ईयर रियर, अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं तो आप क्या बोलोगे, क्यू जो है वो एम्प्टी। ठीक है, और इस टाइम न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू द क्यू, द रियर इंक्रीज इंक्रीमेंटेड बाय वन, तो रियर प्लस वन डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपकी डबल एंडेड क्यू, प्रायोरिटी क्यू। एप्लीकेशन की बात की जाए तो जैसे वहाँ पर डी एफ एस में स्टार्ट का यूज़ किया जा रहा था, वैसे बी एफ एस में हम क्यू का यूज़ करेंगे। सी पी यू शेड्यूलिंग में यूज़ करेंगे, हैंडलिंग ऑफ इंटरनेट जो है इंटरप्ट्स वगैरह होते हैं उनको हैंडल करवाने के लिए, राउटिंग एल्गोरिथम में, इन सब में हम किस टाइप की यूज करेंगे, क्यू का। ठीक है, तो ये था आपका ऑल अबाउट स्टैक क्यू लिंक लिस्ट के बारे में। हाँ जी, किसी को डाउट है तो बता दो, यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता दीजिए। लिंक लिस्ट आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, मिलने के चांसेस तो पूरे हैं भाई, क्योंकि 2 और 3 को आपका एग्जाम हो जाएगा तो चांसेस तो फुल हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बाकी ये कि एग्जाम हो जाए भाई। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हमने की, यहाँ तक समझ में आया भाई, यहाँ तक समझ में आया। समझ में आया है तो एक क्वेश्चन करो भाई। हाँ जी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन 64324 प्लस माइनस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन 6324, क्या हो जाएगी। स्टैक बनाओ,
इस तरीके से ऐड करो, 6 डालो, 3 डालो, 2 डालो, 4 डालो। जैसे ही पहला ऑपरेटर आएगा, फर्स्ट दोनों वैल्यू, पहले 4 निकल जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर 2 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ गया, यानी कि इसको हटाएं कि मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया। फिर आया आपका माइनस, जैसे ही माइनस आएगा आप क्या करोगे, पहले 6 आया, फिर माइनस आया, फिर 3 आया, ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको -3 मिल गया। अब लास्ट में आया मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई को करेंगे अगेन आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -18। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन -18 के साथ, ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको इनका लॉजिक पता होना चाहिए कि हाँ इनका ये लॉजिक होगा और इनको हम इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे बोला है कितने मैक्सिमम और सिंबल जो है वो आपके अपीयर होंगे जब आप जो है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन में को जो है करने की कोशिश करते हो, तो सेम आप स्टैक बनाओगे और जितने नंबर ऑफ ऑपरेटर एक टाइम पे आपको मैक्सिमम दिखाई देंगे उतने काउंट करके आप आंसर। कौन सा रो एड्रेस करवा दूं भाई, कौन सा रो एड्रेस करवाना है, कौन सा रो एड्रेस करवाना है भाई, रो मेजर वाला। अभी तो किए थे कितने सारे क्वेश्चन, अभी तो हमने दो दो मतलब दो मैंने आपको, हाँ अभी तो क्वेश्चन करवाए थे। गुड मॉर्निंग भाई, अभी तो क्वेश्चन करवाए थे भाई, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 15J प्लस आई प्लस 84, बी ऑप्शन है 10I प्लस जे प्लस 89, सी ऑप्शन है 3I प्लस जे प्लस 84 और डी ऑप्शन है आपका 10J प्लस में आई प्लस में 89, ठीक है। आपको क्या बताना है, रो मेजर ऑर्डर भी बताना है और कॉलम मेजर ऑर्डर भी बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को निकालो और मुझे जो है अभी हम थोड़ी देर में अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, तो इसको जो है करके बताओ कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। नहीं आए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को समझा दूँ।